के पी मीन्स की जो जनरेटर मैट्रिक्स हो गया उसका फॉर्मेट क्या होगा पहले आइडेंटी मैट्रिक्स मैट्रिक वैल्यू पी की गिवेन है जनरेटर मैट्रिक्स देन पैरिटी चेक मैट्रिक्स फिर ऑल पॉसिबल कोड वैक्टर्स देन फाइंड डी मिनिमम ठीक तो वन बाई वन करते हैं क्वेश्चन में ही गिवेन है कि वट इज द फॉर्मेट ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स फॉर्मेट फॉर जनरेटर मैट्रिक्स यहाँ पर गिवेन है फॉर्मेट फॉर जनरेटर मैट्रिक्स इज आई के पी ठीक मीन्स की पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी एंड यहाँ पर आई के की वैल्यू क्या होगी आई के यहाँ पर जो फाइव कॉमा टू गिवेन है दिस इज द वैल्यू ऑफ एन कॉमा के ठीक है मीन्स की एन इज इक्वल टू फाइव एंड के इज इक्वल टू टू ठीक है एन इज द कोडवर्ड लेंथ ठीक है के इज द मैसेज लेंथ और डेटा लेंथ ठीक है यहां पर हमारा फॉर दिस क्वेश्चन जी विल बी इक्वल टू आई के की वैल्यू क्या है टू डन तो आई टू की वैल्यू क्या होती है आई टू कैन बी रिटर्न एज वन जीरो जीरो वन एंड पी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हमारा जी क्वल टू वन जीरो जीरो पी की वैल्यू वन 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 जीरो फर्स्ट पार्ट इज डन हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया दिस इज द जनरेटर मैट्रिक्स फॉर गिवन क्वेश्चन ठीक नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है पैरिटी चेक मैट्रिक्स ठीक सेकंड पार्ट पैरिटी चेक मैट्रिक्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाई एच उसको हम नोटेशन क्या देते हैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स इज इक्वल टू हम एच लिखते हैं वेयर एच इज इक्वल टू जो होता है हमारा पी ट्रांसपोज याद रखना है इफ जी में पी इस साइड है तो एच में पी दिस साइड होगा मीन्स की पी ट्रांसपोज आई एन माइनस के ठीक है फॉर दिस क्वेश्चन पी ट्रांसपोज आई एन एज फाइव माइनस टू मीन्स की इट विल बी थ्री ठीक है अब हमारा पी क्वेश्चन में गिवन था तो पी ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे ही कर देती हूँ मैं पी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे वन 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 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये मिल गया हमें पी ट्रांसपोर्ट ठीक तो नाउ इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो H विल बी इक्वल टू वन 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 जीरो आई थ्री है मीन्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ठीक मीन्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारी सिर्फ वन वन होगा इन अ रो और इन अ कॉलम ठीक है ये हो गया हमारा पैरिटी चेक मैट्रिक्स सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन ठीक नाउ क्या है ऑल पॉसिबल कोड फैक्टर्स तो अब हमें सारे कोड वैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे फतीस क्वेश्चन अब हम थर्ड पार्ट करेंगे ऑल पॉसिबल कोड वैक्टर्स नाउ हम करेंगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऑल पॉसिबल कोड वैक्टर्स ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड वैक्टर्स हम डिफाइन करते हैं दिस इज द थर्ड पार्ट ठीक है कोड वैक्टर्स इज डिनोटेड by सी which इज given by एम into जी एम into जी और डी into जी जैसे भी आपका मन करे डेटा mention कर सकते हो मैसेज mention कर सकते हो ठीक है ठीक अब हमारे पास है यहाँ पर जो लेंथ ऑफ मैसेज है कितनी है टू है टू बिट्स है मींस कि हमारे ऑल पॉसिबल मैसेजेस कितने होंगे मैं यहाँ लिख लेती हूँ मैसेजेस ऑल पॉसिबल जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये फोर मैसेजेस होंगे ठीक है दिस इज द फॉर्मूला सबकी टू बिट्स है ठीक अब टू बिट्स है तो C इज इक्वल टू एम वन एम टू क्योंकि टू बिट्स है G की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पर वन जीरो जीरो वन 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 जीरो ठीक है तो हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकालेंगे ठीक जब हम पहला मैसेज लेंगे दिस वन तो सपोज विल बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा वन जीरो जीरो वन 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 जीरो ठीक जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो डॉट वन एग्जॉर ठीक है डॉट जीरो इसके साथ ठीक है ये फर्स्ट टर्म हुआ नेक्स्ट क्या होगा दिस रो दिस कॉलम मीन्स की जीरो डॉट जीरो एग्जॉर विथ वन डॉट जीरो ठीक है इसी तरीके से सारे हो जाएंगे तो जीरो डॉट वन इज जीरो एक्सोर विथ जीरो बिकॉज दिस इज जीरो सेम यहां पर जीरो एग्जॉर विथ जीरो लास्ट रो जीरो एक्सोर विथ जीरो ठीक तो फाइनली हमें क्या मिलेगा जीरो 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 ठीक तो फॉर दिस, व्हाट इज द कोडवर्ड कोडवर्ड हमारा क्या हो गया जीरो 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 ठीक अब नेक्स्ट केस क्या करते हैं नेक्स्ट में हमारा सी टू सी टू इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है जीरो वन ठीक जी सेम है वन जीरो ज़ीरो वन 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 जीरो ठीक इज इक्वल टू दिस रो दिस कॉलम मल्टीप्लाई किया जीरो इंटू वन इज जीरो फिर वन इंटू जीरो इज ज़ीरो एक्जोर किया ज़ीरो के साथ डन दिस रो दिस कॉलम तो जीरो इंटू जीरो इज ज़ीरो वन इंट वन इज़ वन डन ठीक नाउ दिस कॉलम जीरो इंटू वन इज ज़ीरो वन इंटू वन इज वन ठीक, नाउ दिस कॉलम जीरो इंटू वन इज जीरो लास्ट वाला जीरो से वन को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा जीरो एक्सोर विथ जीरो इंटू जीरो इज जीरो फाइनल वैल्यू जीरो एक्सोर जीरो जीरो एक्सोर वन इज वन जीरो एक्सोर वन इज वन जीरो एक्सोर वन इज वन जीरो एक्सोर जीरो इज जीरो ठीक तो इसके लिए कोड वर्ड क्या हो गया दिस कोड वर्ड को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं जीरो वन 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 जीरो ठीक है नेक्स्ट हमारा मैसेज क्या है वन जीरो ठीक है तो C3 विल बी इक्वल टू मैसेज हमारा है वन जीरो वन जीरो जीरो वन, वन 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 जीरो इज इक्वल टू this row, this column 1 into 1 is 1 0 into 0 is 0 ठीक है अब दिसके साथ वन into जीरो is जीरो 0 into वन is जीरो ठीक है नौ दिस के साथ वन into वन is वन जीरो into वन is जीरो ठीक है नौ इसके साथ सेम ही होगा 1 0 ठीक नौ इसके साथ वन इंटू वन इज वन एग्जॉर विथ तो आंसर क्या होगा वन जीरो आंसर तो कोडवर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा वन जीरो नाउ फॉर लास्ट लास्ट हमारा क्या है वन वन सी फोर विल बी इक्वल टू वन वन मल्टीप्लाइड विथ वन जीरो जीरो ठीक है इज इक्वल टू वन इंटू वन इज वन वन इंटू जीरो इज जीरो नौ देशरो जीरो वन इंटू वन इज वन ठीक नौ दोनों वन इधर भी है दोनों वन इधर भी है मीन्स की वन एग्जॉर विथ वन अगेन दोनों वन है मीन्स की वन एग्जॉर विथ वन इन दिस केस वन इंटू वन इज वन वन इंटू जीरो इज जीरो पर हम मॉडलोर टू समर्फॉर्म करते हैं मॉडलोर टू समर होता है ठीक यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करते हैं मॉडलोर टू परफॉर्म करते हैं तो वन एक्स और जीरो इज वन जीरो एक्सोर वन इज वन वन एक्स और वन इज जीरो बिकॉज एक्सार में इफ बोथ इनपुट इज सेम तो आउटपुट क्या होता है जीरो वन एक्सर वन इज जीरो वन एक्सोर जीरो इज

टू वेज हैं तो मैं फर्स्ट वे बता देती हूँ दोनों वेज बता दूंगी फर्स्ट हम एक तो ये कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूस जो हमारे जो messages उनके code words उनके बीच का डिफरेंस तो थ्री डिफरेंसिशंस का डिफरेंट है means कि इन दो कोड्स के बीच में जो डिफरेंस है डी डी है दैट इज इन टू के बीच दिस वन एंड दिस वन वन बिट चेंज वन बिट चेंज वन बिट चेंज अगेन थ्री का डिफरेंस है नॉ इन टू में इसमें और इसमें वन बिट चेंज सेकेंड बिट चेंज थर्ड बिट चेंज थ्री ठीक है तो बाई यूजिंग दिस मैथड हमें डी मिनिमम की वैल्यू क्या मिल गई डी मिनिमम इज इक्वल टू थ्री ठीक है बाई यूजिंग दिस मैथड कि हम टू कॉन्जिक्यूटिव कोडवर्ड्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो हमें क्या मिलता है थ्री दूसरा मैथड यह है कि हम इसका वेट फाइंड आउट कर लें ठीक है, वेट फॉर दिस मैसेज यहाँ एक भी नॉन एलिमेंट नहीं है कि पे number of -zero elements कितने हैं इन दिस केस वेट इज थ्री ठीक है case, case, तो दो दूसरा मैथड होता है फॉर डी मिनिमम डी मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम वेट वेट मिनिमम ठीक है नॉन जीरो कोड वर्ड में जिसका वेट मिनिमम होगा दैट इज डी मिनिमम तो यहाँ पर क्या है थ्री मीन्स की बाय यूजिंग दिस मैथड हमें डी मिनिमम की वैल्यू क्या मिली थ्री दोनों मैथड कैन यूज द डिफरेंस बिटवीन बिट पोजिशन अगर हम बिट पोजिशन का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो भी हमें थ्री मिल रहा है अगर हम वेट कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वेट को लेते हैं तो भी हमें डी मिनिमम की वैल्यू क्या मिल रही है थ्री तो यू यू कैन यूज एनी मैथड थैंक यू सो मच